चलिए। हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10% से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें से 28-27 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। 28 से देखिएगा, और ये बुक जो सॉल्व कराता हूँ ये आर एस अग्रवाल की बुक से सॉल्व करता हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। और देखिएगा, 80 का 30% / x = 24 का मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिएगा, का माने गुणा होता है 80 × 30/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 24 x कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, और इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कर, और 8 3 24 24 = 24। अब एक्स इसके नीचे चला जाएगा, या 24 24 / 24 = एक्स, यहाँ से 24 से 24 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू बना दी, ये आपका आंसर हो गया, ये निकालना था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 24 × x / 100 हो जाएगा, परसेंटेज लिखा है, बटे 100 हो जाएगा बराबर 64, इसको काट दीजिए, 50 और ये 24 12, 2 से काटे हैं, 2 5 10 और 2 12 2 9 24, अभी ये कट जाएगा 6 और ये 25, ये 6x / 25 हो गया, और इधर 64 64 हो गया, अभी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और इधर कट जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4 32, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3x / 25 = 32, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 32 × 24 = 25 पूरे का बटा 3, यहाँ से 3 है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भाग हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 25 × 50 = 5 हासिल, और 25 × 3 = 75 और 80/3 हो गया, 80/3 इसको काट देंगे तो भाग देंगे, 3 × 6 3 × 6 = 20 और 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18 2/3, ये आपका x की वैल्यू निकल आई, तो 266 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, ये आ रहा आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, 500 का x% = 300 का y%। पहले इसको निकाल लेंगे, क्या है, 500 का x% = 300 का y%, पहले इसको निकालेंगे, परसेंटेज हम निकाल देंगे, x बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ 300 है, यहाँ पर y बटे 100 हो जाएगा, 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका 2 0 इसका, इसका मतलब 5x = आपका आ गया 3y, क्या आ गया 3y, तो x = आपका y = लिख सकते हैं 5/3x, हमको x की वैल्यू के रूप में लाना है तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या किया, सिर्फ प्रतिशत हटा के नीचे 100 कर दिया और काट दिया है, 5x = 3y आ गया है, अब y बराबर यही रख दिया और 3 को इसके नीचे ले गया तो 5x/3 हो जाएगा। अब कह रहा है 200 का y परसेंट, दूसरा कह रहा है 200 का y परसेंट, तो y बटे 100 कर दीजिए और गुणे x बटे 100 कर दीजिए, ये है बराबर 60। अब यहां से देखेंगे, यहां पर y की वैल्यू बराबर 5/3 दिया गया है, यहां से 2 0 इसको 2 0 इसको काटेंगे, y की वैल्यू 5/2 दिया, तो 2 y के स्थान पर लिखेंगे क्या, 5/3 x / x / 100,
बराबर 60, कितना हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60 ये हो जाएगा, और 2 छक 12 हो जाएगा, ये हो गया, और 6 त्रिक 18। एक्स स्क्वायर बराबर 6 × 100 × 3, 6 का ये और 3 इधर आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का एक्स और एक्स का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 6 × 18, 100 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1800। तो 1800 को दो भाग में कर लेंगे, इसको कह लें 9 × 2 और × 100, इस तरह से इसको कर लेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 100 का निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और सिर्फ कर्णी में बचेगा आपका 2, तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 30√2, x की वैल्यू निकल आई। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 30√2 आ जाएगा। यहां पर y बराबर 5/3, हमको किसका निकालना, x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, y बराबर 5/3 लिया है, तो यहां पर y के स्थान पर 5/3 लिख दिया इंटू x, और x आपका ऐसे ही रह दिया, 100 नीचे कर दिया 60 रुपये। इसके काटने का तरीका इधर से इधर भी काट सकते हैं जो कटता हो, और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, अगर इक्वल के दोनों समान है, कुछ काटने लायक होगा तो उसको काट देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, उसके बाद में आपको ये सॉल्व कर लेंगे, आगे देखेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा, काटना पिटना रहता है, अभी आगे स्टैंडर्ड से बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बढ़ते हुए चलेंगे, देखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा एक संख्या, तो वो संख्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x का 45%, तो 45/100 कर देंगे, गुणे 15%, तो 15/100 कर देंगे, और उसके बराबर है 105.3, यहाँ से भी दशमलव हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, 10 10 एक से कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 2 10, और 5 से 5 3 15 और 5 2 10, ये हो जाएगा, और कट सकता है, x बराबर 1053 × 20 × 2, नीचे हो जाएगा 9 × 3, देखेंगे काटते काटेंगे, 3 से काटिए, 3 3 3 9 और 3 5 15 और 3 1 3, 3 से कट गया, ये कर लिया, 3 7 21, 9 9 9 9 4 36, ये कटेगा, इसको काटेंगे, 9 3 27 27 और 15 7 2, 9 3 27 हो गया, 15 7 निकालेंगे, 9 8 17 81, 8 7 15 81, और 9 9 81 कट रहा है, इसको काटेंगे तो 39 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 39 39 × 20 × 4 2, इसको गुणा कर देंगे, 9 2 18 और 3 2 6 1 7 उड़े 2 2 से काटेंगे, 9 इसको और गुणा कर देंगे, 8 2 16 और 7 2 14 15 1560, इतना आ गया है। अब ये आने के बाद में कह रहा 24%, बताइए इसको काटने की जरूरत नहीं है, नहीं काटेंगे तो 39 × 20 × 2 24/100,
इसको काटने की जरूरत नहीं, इसको गुणा करके, क्योंकि हमको 24% निकालना है, तो गुणा मत करिएगा क्योंकि काटने में आसान हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो परसेंटेज में आ रहा है, ये हो जाएगा। अब इसको 9 दूनी 18, ये वैल्यू आ गया है। अब इसका 24% निकालना है, तो 24/100 कर देंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 24/100 कर दीजिए। अब इसको गुणा करेंगे, कितना आया था, 1500 कुछ आया था, मिसिंग हो गया, 100 है, दशमलव दो अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, यहाँ दशमलव हटा देंगे, इसको हटा लेंगे। अब इसका सीधे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 40×39.24। इसको गुणा कर लेंगे, 0×9=36 3 हासिल, और 4×3=12 और 3×15 इतना, और 24/100 ही रखेंगे, इसको हटा के 10 इसका काट देंगे और सब कम हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 24 का गुणा कर देंगे, 4×6=24 4 2 हासिल, 4×5=20 2 22 2 हासिल, 4×2=6 और 6×2=12 और 6×2=12 और 5×2=10 2×11 और 2×2=3 4×4=7 3 एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 37,374.4। ये आपका आंसर निकल आएगा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 374.4 आ जाएगा। यहाँ पर इस वैल्यू को लाएंगे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू आ जाएगी, इतना आ जाएगी। फिर इसका कह रहा है 24% का, तो 24/100 हो जाएगा। आप फिर गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी इसका गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 500 को ऐसे रहने देंगे, गुणे 6/7 हो जाएगा, गुणे 42/100 करेंगे और गुणे 35/100 करेंगे, 100 कर दीजिए। 7×6=42 6 हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5×7=35 और 5×2=10 हो जाएगा, 5×4=20 हो जाएगा, 6×6×7/4 दो से काटेंगे, 2×2=4 2×3=6 2×2=4 2×3=6 इसका मतलब हो गया 3×3=9×7=9 7×63 आपका यह आंसर है। इस तरह से इसको 9/63 9/63 इस तरह से हो जाएगा, ये आंसर 9/63 63 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कह रहा है एक संख्या का 1/5 दिया हुआ है 81, तो x बराबर हो जाएगा 81×5। अब ये जो संख्या है ये दिया हुआ है x का 68% दिया गया है, क्या होगा, जो संख्या मानी थी x उस संख्या का 68% क्या होगा, ये चीज आप यहाँ रख दीजिए। x बराबर कितना है, 81×5 81×5 और 68/100 ये हो जाएगा, 5 से काट देंगे 20 हो गया, 10 ये हो जाएगा 3 और 4, 2 से काटा है, 2×10=20 और 2×3=6 और 2×4=8 अब गुणा कर लीजिए, 81×34/10 10 को ऐसे ही रहने देंगे, काटेंगे नहीं क्योंकि काटने में फिर तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लाना है, 81 का गुणा कर दीजिए, 81×34 का गुणा करेंगे, 4 और 8×32 3 8×24
ये हो जाएगा 4, 5, 7, 2, ये हो जाएगा 27/54/10, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 27.5.4, ये आपका आंसर हो जाएगा 275.4। तो इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। ये गुणा किया गया आपस में, गुणा करने पर आया है, ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन है। व्यंजक दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये बन गया, ये हो गया। अब यहाँ कह रहा है एक्स के मान में 25% की कमी आ रही है, तो इसको हम बी मान लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 25/75x/100 का होल क्यूब इंटू वाई का मान 20% कमी, 80/100 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है इसलिए क्यूब चेंज हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू दिया गया, एक्स और वाई का मान है, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान रखिए एक्स बराबर आपका दिया है 25% कमी, इसको लिख देते हैं 75x/100 लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे, इस तरह करके इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 5 से कटेंगे 2 से कटेंगे, 2 5 10 और 2 2 4, इसको भी काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये बी बराबर आपका आ जाएगा वैल्यू 3x/4 और ये 4/5 y² इस तरह से बन जाएगा। इसको और सरल करेंगे, ये 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब और 4 4 16 4 64 गुणे, ये हो जाएगा 2 2 4 4 16 y² / 25, यहाँ से काट देंगे 16 4 64, सोलह चौका चौंसठ इसको काट देंगे, अब ये हो जाएगा 27/25 या 75 x² x³ × y³, ये वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, अब ये है 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर x क्यूब और y² जो वैल्यू दिया है a दिया गया, a बराबर इतना है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 27/100 × a। अब कमी पूछ रहा है, कितना कमी हुआ, इसको इस तरह से कर लेंगे। अब कमी यहां लिख दिया हम, कमी a माइनस b मान रख देंगे, a को ऐसे रह दीजिए, b की वैल्यू निकाले हैं कितना, 27/100 × a, ये आपका हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 63/100 हो जाएगा, 63/100। अब क्या करेंगे, अब कितना कमी हुआ,
तो ये हो जाएगा आपका 63 बटे 100 इंटू ए गुणे 100, ये इतना काट देंगे, पलट दीजिएगा तो 63 बटे 100 ए और ए हो जाएगा गुणे 100। यहाँ कुछ नहीं, ऊपर पलटेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ से ए कट गया, 100 से 100 कट गया, बराबर 63%। तो कितने परसेंट की आ गई? 63% की कमी आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ एक व्यंजक दिया है ए बराबर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर ए बराबर, तो बी बराबर हमारा कितना है, बी मान लेते हैं बी बराबर एक्स और वाई में कमी हो जाएगी, जो कमी हो रहा है तो 75/100 और 80/100 मान रख देंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी इतना। अब एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर बराबर ए बराबर दे रखा है यहाँ पर, अब क्या करेंगे, कितना कमी आएगी, तो ए माइनस बी, बी के स्थान पर रखेंगे 27/100, इसको काटेंगे तो इसको इधर गुणा करेंगे, ये क्या है ये चीज, इसमें ए में गुणा हो जाएगा और 100 में से 27 घटाएंगे तो 63/100 ए आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है हमको, पहले वैल्यू कितना है ए, पूर्णांक आपका दिया है उसमें से 63/100 मिला हुआ, उसका परसेंटेज निकालना है, तो 63 ए/100 / ए गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे ए से ए कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 63% आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक भिन्न, तो माना भिन्न है, भिन्न मान लेंगे क्या है, x बटे वाई। अब अंश में कह रहा है 25% की वृद्धि कर दीजिए, तो 125x/100 हो जाएगा, और फिर हर में कह रहा है दुगना, हर को दुगना कर दीजिए, 2y कर दिया, और बराबर भिन्न प्राप्त हो जाता है 5/9, 5/9, तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा 125x/200, वाई बराबर 5/9, क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा और ये इन दोनों 100 में से 2 का गुणा कर देंगे, 200 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 से काट दिया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 पचों 25, 5 8 40 और 5 पचों 25, फिर यहाँ देंगे 5 से 5 इधर कट जाएगा। अब क्या बचा आपका, x/8y बराबर 1/9, 8 को इसके ऊपर ले जाएंगे, x/y बराबर 8/9, आपका भिन्न निकालना था, ये आपका क्या होगा, ये 8 इधर गुणा हो जाएगा एक में, तो 8/9 हो जाएगा, इधर बचेगा 5 x/y, तो ये भिन्न आपका x/y था, तो 8/9 हो गया, 8/9 हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, अंश में क्या है, ये भिन्न आपका है, भिन्न आपका दिया है x/y, और इसमें कह रहा है 120% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि हो जाएगा 320/100 एक्स, और इसमें नीचे में 250 हो जाएगा वाई बटे 100, तब परिणामी आपका हम 4/5 प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिएगा, 220% की, मतलब 100% था उसमें 220% की वृद्धि हुई, तो 320 हो जाएगा, 320/100 हो जाएगा, ऐसे 150% है तो इसमें 100 और जोड़ देंगे, 100% में 150 जोड़ देंगे तो 250/100 हो जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज हटा देंगे नीचे 100 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 320/100 इंटू एक्स, पलटेंगे 100/250 वाई बराबर 4/5 हो जाएगा।
अब इसको 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 4 से 4 8 32 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। अब ये 8 बटे 8 x बटे 5 y बराबर 1 बटे 1 आ गया। 5 को इधर गुणा कर देंगे, 8 का इधर कर देंगे, तो हो जाएगा x बटे y बराबर 5 बटे 8 हो जाएगा। ये आपका भिन्न निकालना था, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 का इधर गुणा हो गया और 5 का ऊपर हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं निकालने के लिए, एक दो क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर का, देखेंगे क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/21 प्राप्त होता है, तो भिन्न बताइए। तो भिन्न मान लेते हैं, भिन्न क्या है, x बटे y मान लीजिए। अब इसी में कह रहा है 120%, तो x प्लस 200/100 बटे हर में y प्लस 400/100 y। इस तरह से मतलब वृद्धि करना है, बढ़ाना है, x था उसमें से 200% की वृद्धि कर दी गई, ऐसे नीचे में भी 400 था 400 में वृद्धि कर दी गई। अब ये इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 x प्लस 200 x बटे 100, नीचे हो जाएगा 100 y प्लस 400। विस्तार से बता रहा हूँ इसको कैसे वृद्धि किया जाता है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 300 x बटे 100, और नीचे हो जाएगा 500 y बटे 100। पलट देंगे इसको, 300 x बटे 100 गुणे 100 बटे 500 y, इसे इसे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये आपकी वैल्यू दिया है 3x इंटू 5y। अब कह रहा है वृद्धि करने पर भिन्न क्या एक सही 1/2 हो जाता है। ये जो है दिया है 21 बटे 20 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 7 21, 5 काटे 5 4 20, x बटे y बराबर आपका आ जाएगा 7/4। ये परिणामी भिन्न आपका प्राप्त हो गया, जो पहले मानना था x y माने थे, x बटे y की वैल्यू आ गई 7/4। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या है, डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 300 बटे x इंटू 500 y और बराबर 21 बटे आपका 20। यहाँ से 2 0 इसको कट जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 5 24 हो जाएगा, x बटे y बराबर 7/4। इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टकट में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, क्योंकि नीचे परिसर में है 100 100 कट जाएगा, आपका इतना आ जाएगा। वृद्धि कर रहा है, 400 था 100 और जोड़े 500 हो जाएगा, इसमें 200 था 300 कर दिया, तो दोनों वैल्यू आपका सेम आ जाएगी। इस तरह से आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है, तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिएगा। इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है देखेंगे। आधे घंटे का 1 मिनट 60 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत है, मतलब ये लेकर और यहाँ से ये लेकर एक साथ मिलेगा। आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड होगा, ध्यान दीजिएगा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो ऐसे लिखेंगे, आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत, तो उसको मान लेंगे x प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड होगा। तो आधे घंटे x प्रतिशत गुणे आधा घंटा, तो 30 गुणे
60 क्यों किया गया? क्योंकि इसको सेकंड में, सबको सेकंड में लाएंगे, बराबर एक मिनट 60 सेकंड और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 70, 60 प्लस 10 ये हो गया। तो ये आपको कुल मिला के हो जाएगा x प्रतिशत बराबर 70। इस तरह से इसको कर लेंगे, ये इसके नीचे ले आएंगे 70/ अब इसको प्रतिशत में चेंज करना, कौन सा प्रतिशत होगा, तो ये जो प्रतिशत लिखेंगे तो यहां भी 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत लाने के लिए आपका इधर 100 का गुणा कर देंगे। अब इसी को 2 जीरो इसे कट जाएगा, बचा 70/3 × 60 6 एक्स प्रतिशत में लाना है, इसको और काटेंगे 3 और ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35/9, इसको काटेंगे तो 3.89 प्रतिशत आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था 3.89। यहाँ देखिएगा बहुत ध्यान से, आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत, तो x प्रतिशत कितना है, 1 मिनट 10 सेकंड है, बस इतना ध्यान, आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड है, तो x प्रतिशत गुणे ये आपका आधा घंटा हो गया, और 60 से आधे घंटा हो गया 60, और इसमें 60 का गुणा कर दिया, 60 मिनट हो गया, और आधा घंटा का 30 मिनट हो गया, और इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चेंज हो गया, इधर भी मिनट में चेंज, सेकंड में, ये सब ये आपका क्या है, सेकंड में चेंज किया गया है, क्या है ये, सेकंड में चेंज किया गया है, सेकंड में चेंज करके सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर का क्वेश्चन है, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे, केजी है का एक प्रतिशत 17 ग्राम है, ये दिया गया है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत 17 ग्राम, तो इसको भी किलोग्राम में, ग्राम में चेंज कर लेंगे, x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 17/68, ये ग्राम में चेंज हो गया। अब परसेंटेज में करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो इसका, 10 हटाएंगे 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 2 जीरो 1 ये हो गया, 3 ऊपर कट गया 3 नीचे कट गया, तो 17/68, 17 × 64 तो 1/4 इसको 0.25 प्रतिशत में हो जाएगा। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है, तो 2 क्विंटल पहले इसको करेंगे गुणे 1 किलोग्राम में चेंज हो गया, और ये भी 2.5 किलोग्राम में चेंज हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। अब कितने प्रतिशत, प्रतिशत 2.5 kg का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत, अब यहाँ 200/2.5 और गुणे 100, अगर गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में आपका चेंज हो जाएगा। अब इसको पच्चीस अट्ठे 200, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा, एक्स प्रतिशत बराबर हो जाएगा 8000, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से 40 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।